हेलो एवरीवन, तो आज हम कर रहे हैं टैबेकोनाज़ोल। तो आपको बताते हैं किस तरह की बीमारियों के लिए टैबेकोनाज़ोल किया जाता है। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम कर रहे हैं टैबेकोनाज़ोल, ये वाला यहाँ देख सकते हो आप, ओरियस का, ओरियस अडामा कंपनी का है ये, 1 लीटर का है ये। और इसमें यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे टैबेकोनाज़ोल 25.9% ईसी फॉर्म में होता है। ये होता है आपका लिक्विड में, तो ये आपके पानी के साथ अच्छे से घुल जाता है। मैं आपको दिखा लेता हूँ किस तरह से। ये इस तरह से कुछ पानी के साथ घुल जाता है आसानी से, तो आप भी इसको कर सकते हो। तो मैं आपको पहले बता लेता हूँ, आपके पत्ते अगर वसे हो गए तो आप लोग इसको कर सकते हो। जैसे कि ये पाउडरी मिट्टियों के लिए भी काम आ जाता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, बट हमारे पास पाउडरी मिट्टी बहुत कम है तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं। तो ये आपका, जैसे कि आपके ये पत्ते पीले हो जाते हैं ना, तो इसके काम भी आता है ये। तो चलो, पौधा मरने वाला है, मेरे पास पीले पत्ते हैं नहीं कहीं, इसके काम भी ये आ जाता है, ये आप देख सकते हो। और भी किस तरह की बीमारी के लिए काम आता है वो भी आगे बताता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे वो पत्ते मिल नहीं रहे मेरे को ज़्यादातर, तो आपको मैं दिखाऊंगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। तो ये वाले यहाँ पे हमने न्यू प्लांटेशन की है पूरी, तो यहाँ पे सूखा, इस बार सूखा भी बहुत पड़ गया है, तो इस कारण भी थोड़ा दिक्कत हो रही है, पौधे नहीं उठ पा रहे, चाहे पानी डालो चाहे जो करो। बारिश का पानी तो बारिश का ही होता है, फिर बारिश का बहुत ज़रूरी पानी है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कहीं पे अगर आपके पत्ते वैसे हो रहे हैं। कुछ लोग बता रहे थे ना कि हमारे पत्ते मुड़ रहे हैं, रेड रेड से स्पॉट पड़ रहे हैं उस पे, ब्राउन ब्राउन से, तो उस तरह की बीमारी के लिए भी एक कारीगर है। तो बहुत अच्छा फंगीसाइड है, मैं इसको 3-4 साल से कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है, रिजल्ट भी इसके बहुत अच्छे। जो आपके खराब पत्ते हो गए उसको ये क्या करता है, उसको ये गिरा लेता है, जो नए पत्ते, जो आपके बढ़िया पत्ते हैं उनको डार्क कर लेता है, उसमें डार्क कलर हो जाता है, बिल्कुल डार्क, जैसे इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे। नहीं तो ऐसे किसी के ऐसे फीके फीके से पत्ते होते हैं, उसके लिए भी ये काम आ जाता है। तो आपको एक आधी बीमारी और दिखा लेता हूँ मैं कहीं ना, जिसके लिए ये काम आएगा आपके, जैसे कि यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे तो वो मिल नहीं रहा मेरे को पत्ते, तो आपको दिखाने तो पड़ेंगे फिर ही आपको समझ आएगा। मेरे खेत में वो दिक्कत थोड़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं टैबेकोनाज़ोल ही कर रहा हूँ सब में। तो इसके बाद थोड़ी माइट साइड करेंगे कोई बढ़िया सी, उसकी भी आपके लिए वीडियो लाएंगे। तो आपको मैं, वो पत्ते नहीं मिल रहे मेरे को ना, आपको मैं ज़रूर दिखाता कि किस तरह के पत्तों के लिए आप इसको कर सकते हो, और उन पत्तों को वो झाड़ भी सकता है, जो पत्ते साफ होने लाइक हो गए तो उनको साफ कर लेगा, बाकी वरना झाड़ देगा उसको। मैं आपको अभी दिखा लेता हूँ, वो यहाँ पे मिल नहीं रहे, वो पत्ते है ही नहीं है यहाँ पे, वैसे लाइक वैसे पत्ते ना। तो मैं आपको ना यहाँ स्क्रीन में साइड में फोटो भी डाल दूंगा किस तरह के पत्ते बो रहा हूँ मैं, और थोड़ा बहुत आपको एग्जाम्पल दे ही देता हूँ मैं ना। जैसे ये देख सकते हो आप, जैसे ये होता है, ये देखो ब्राउन से दाग पड़ते हैं ना पत्तों में इधर इधर, और पत्ते यूँ सिकुड़ जाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत कारगर है ये, बहुत बढ़िया फंगीसाइड है। तो इसको आप कर सकते हो, ये पड़ता है आपका 200 लीटर पानी में 200 ml, तो बहुत ही अच्छा, और ये जल्दी से घुल जाता है ड्रम में, ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती इसको घोलने में, कहीं दूसरे डब्बे में घोलना पड़े फिर उसको वहाँ मिला के फिर ड्रम में डालना पड़े, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग इसको सीधा ड्रम में ही मिला सकते हो, वो आसानी से घुल जाता है, जैसे आपने मेरे ड्रम में देखा, मैं सीधा डाल देता हूँ। तो इस तरह के पत्ते जो आपको अभी दिखाए मैंने, और भी कई तरह के पत्ते, मैं यहाँ स्क्रीन में फोटो देते रहूँगा, आप वो देख लेना। तो ये स्क्रीन में आपको फोटो दिखाई दे रहे होंगे, जो जो भी बीमारियाँ, बीमारी के फोटो आपको दिखाई दे रहे हैं, उन बीमारी के लिए कारीगर है। जो खराब पत्ते उनको ये झाड़ देता है, जो साफ पत्ते है उनको ये डार्क कर लेता है, उसमें क्लोरोफिल को बढ़ा देता है और भी ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। जैसे ये इस तरह का पत्ता देखो, कितना बड़ा पत्ता, और पत्ते को चौड़ा करता है और लंबा भी कर लेता है। तो आपको मैं दिखाऊंगा इस तरह के, यहाँ पे भी आप देख सकते हो हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट पड़ रहे हैं इसमें भी,
यहाँ पे, और ज्यादा सूखे के कारण भी पड़ रही है, देख सकते हो आप यहाँ पीछे भी ये पड़ रहे हैं। तो इस तरह के कुछ पत्तों को भी ये साफ रखता है, पीले पत्तों को भी साफ रखता है, पीले पत्तों को झाड़ देता है, और नए पत्ते जो आपके और भी अच्छे जो भी बीमारी वाले पत्ते होंगे उनको सबको झाड़ देगा ये, जो आपके अच्छे पत्ते होंगे उनमें क्लोरोफिल बढ़ाएगा और आपके पत्तों को भी थोड़ा बड़ा करेगा और चौड़ा करेगा और डार्क करेगा, बिल्कुल डार्क, जैसे इस तरह से बिल्कुल डार्क कर देगा आपके पत्तों को। तो इस खेत में ज्यादा प्लांटेशन हुई नहीं है, मतलब इसमें अभी न्यू प्लांटेशन हो रही है हमारी, तो इसमें करते रहेंगे। आप देख सकते हो कितना सूखा हो गया, घास भी नहीं उग रहा है, एक बारी घास काटा था हमने, उसके बाद घास उग ही नहीं रहा, बिल्कुल साफ ही हो गया। और बारिश बहुत जरूरी, यानी बारिश के कारण भी हमारे पेड़ पौधे सूख रहे हैं, तो फ्रूट भी हमारा झड़ सकता है। अब जितना सूखा पड़ चुका है इस बार, तो फ्रूट भी झड़ने की संभावना ज्यादा है कुछ। तो इस तरह से कुछ आपको ये फंगीसाइड करना है, ये है टेवाकोनाजोल, ये पड़ेगा आपको बाजार में, इसमें प्रिंट रेट है, इसमें प्रिंट रेट दिखा लेता हूँ, इसका प्रिंट रेट देख सकते हो आप 2254 रुपये, मतलब 2254 रुपीज। तो इस तरह की बीमारी के लिए काम आता है, बहुत अच्छा फंगीसाइड है। इसके रिजल्ट भी आपको 10-15 दिन में मैं दिखा लूंगा किस तरह के रिजल्ट है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, 200 लीटर पानी में 200 ml डालना है आपको ये, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। लोग सोचते हैं कि ये बताता है सिर्फ खुद को, खुद वो स्प्रे करता नहीं है ये, ठीक है जी। मैंने लाइव में भी, मैं बहुत बार आया हूँ, तो लाइव में जो लोग भी नहीं आते वो आ जाए, मैं सुबह 10 बजे लाइव में आता हूँ, तो उसमें आप लोग पूछ सकते हो मेरे से कुछ भी क्वेश्चन, और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, मैं सबके रिप्लाई दे देता हूँ। तो कुछ लोगों ने दिखाए थे वैसे वैसे पत्ते, याद होगा उनको, अगर वो लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी मैंने बोला था टेवाकोनाजोल कर लो, ये सारे पत्ते खराब पत्ते जो उसको झाड़ देता है, अच्छे पत्ते को क्लोरोफिल बढ़ा लेता है और पत्ते चौड़े करता है, ठीक है। यही था आज की वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।